हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। और आज हम आए हैं JPS बजाज लखनऊ में। शोरूम का जो पूरा डिटेल है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कंसर्न पर्सन का फोन नंबर मिल जाएगा। तो रिगार्डिंग एनी बजाज प्रोडक्ट आप डेफिनेटली उनको इंक्वायर करिए, उनको परेशान करिए, वो आपकी हेल्प आउट जरूर करेंगे। काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ है। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी बजाज के प्रोडक्ट को लेके या किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर को लेके, तो डेफिनेटली मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ये छोटा सा काम करके ज़रूर जाएगा, हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है इस चीज़ से, क्योंकि अभी भी 90 से 95% लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन ही देख रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़, कभी भी हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो ये ज़रूर करके जाइएगा। पिछले 10-11 महीनों से हम आपके लिए लगातार वीडियोस बना रहे हैं एंड होप कि आपको जो ज़रूर पसंद आ रहे हैं। कई वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया, आज के वीडियो को भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बजाज के ही शोरूम में। जब आप एंटर करते हो, दो ऐसे राइवल्स आपको आपने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो है बजाज पल्सर NS200, जो हाल ही में कुछ नए अपडेट्स के साथ आई है, और हमारा ओल्ड RS200। बजाज पल्सर RS200 की हम बात कर रहे हैं, जो जब से लॉन्च हुई है कंपनी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया है। सिर्फ हर साल कुछ नए पेंट स्कीम, कुछ नए ग्राफिक के साथ लॉन्च कर देती है और लोग भरोसा करके बजाज के ऊपर उस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वो भरोसे के लायक भी है। आपकी एक काफ़ी अच्छी इमेज उसने बना के रखी है मार्केट में, काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं उसकी स्टाइलिंग की वजह से, उसकी एक ओवरऑल पूरे प्रेजेंस की वजह से, जो उस प्राइस पॉइंट पे और कोई भी बाइक इस समय इंडियन मार्केट में नहीं दे रही। अब कुछ कॉम्पिटिशन्स उसके आ गए हैं, जैसे मैं करिश्मा का नाम ले सकता हूँ उससे उसके आसपास की प्राइसिंग भी आ गई है। एंड चलिए दोनों गाड़ियाँ देखते हैं, हमारे सामने ही खड़ी हैं दोनों गाड़ियाँ एंड काफ़ी ज़्यादा एक ही फ्रेम में अच्छी लग रही हैं, आप देख लीजिए। एंड अगर आपको नेकेड स्पोर्ट्स चाहिए तो डेफिनेटली NS200 आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है बजाज के में, के पोर्टफोलियो में। एंड अगर आपको थोड़ा सा फीयर्ड व्हीकल चाहिए तो RS200 भी काफ़ी अच्छा व्हीकल है। फ्रंट के सबसे पहले डिफरेंसेस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बजाज ने अभी तक इस गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। एज इट इज़ ये गाड़ी वैसी है जैसे फर्स्ट टाइम हमने इसको देखा था। फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बाइबर की ब्रेकिंग है, यहाँ पे भी आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। फ्रंट का टायर साइज लिख दीजिए 180/17 है, दोनों का एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ट्यूबलेस टायर हैं, एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन के इसके एलॉय व्हील्स हैं। इसमें फुल ब्लैक्ड आउट दिया हुआ है एंड यहाँ ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। फ्रंट में यहाँ पे आपको फाइबर फिनिश में दोनों के फेंडर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको विंडशील्ड जो वाइजर है, तो यहाँ पे आपको हल्का सा टिंटेड मिलेगा ब्लैक में, लेकिन अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ से ज़्यादा डीप ब्लैक है एंड, लेकिन ये सिर्फ नेकेड स्पोर्ट है तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप ये चीज़ दोनों के फेस से पहचान सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है एंड यहाँ पे फुल LED हेडलैम्प का सेटअप है। LED DRLs यहाँ मिल जाते हैं एंड इसके भी LED DRLs यहाँ सामने मिल जाते हैं। LED के इंडिकेटर्स आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाएंगे। लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह यहाँ ऊपर दी हुई है, यहाँ पे इधर नीचे दी हुई है। फ्रंट के दोनों लीवर्स देख लीजिए ब्लैक्ड आउट में दिए हुए हैं, NS200 में भी एंड RS200 में भी। क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइलिंग है। चलिए दोनों के इंजन की बात करते हैं, दोनों के हार्ट की बात करते हैं। 200 cc का इंजन है जो मैक्सिमम पावर आपको 24.5 PS की प्रोड्यूस करके देता है एंड मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपको 18.75 Nm का देगा 8000 RPM पे पीक टॉर्क मिल जाएगा, और 9750 RPM पे इसका पीक आपको पावर मिल जाएगा। दोनों ही बाइक्स का एग्जैक्टली सेम चीज़ ये रखी गई हैं। ये ट्रिपल स्पार्क DTSI FI इंजन है एंड लिक्विड कूल्ड है। यहाँ पे आप रेडिएटर देख सकते हो NS200 का एंड यहाँ अंदर आपको RS200 का रेडिएटर दिख जाएगा, जो अच्छी बात है। जो आप लॉन्ग टूर्स करेंगे तो आपके इंजन को अच्छे से ठंडा रखेगी, लिक्विड कूल्ड का काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहता है टूरिंग जो लोग भी अगर प्रेफर कर रहे हैं उनके लिए। एंड बहुत ज़्यादा इसका एग्रेसिव राइड हैंडल नहीं है, चाहे आप RS लोगे चाहे आप NS लोगे, इसकी राइड भी इसके जस्ट बाद वाली वीडियो पे आप देख पाओगे, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा एंड कंफ्यूजन भी आपका दूर होगा। दोनों के बैक के फुटरेस्ट जो हैं वो आपको मेटल फिनिश मिलेंगे, फ्रंट के आपको रबराइज मिलेंगे, दोनों ही गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम है। जो ब्रेक लीवर है वो भी एग्जैक्टली सेम है एंड 6 गियर शिफ्ट के साथ दोनों ही बाइक्स आ जाती हैं। दोनों बाइक्स का स्टाइलिंग ही सबसे ज़्यादा इसका एक डिबेटेबल पॉइंट है, या एक आपको पसंद आ सकता है या किसका पसंद आ रहा है, इसी के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है इस पूरे वीडियो पे, या जब भी ये दोनों बाइक्स आप आमने सामने देखें। स्प्लिट सीट तो आपको RS में भी मिल जाती है
एन स्प्लिट सीट आपको NS200 पे भी मिल जाती है। पीछे स्प्लिट में इसका ग्रैब हैंडल मिलेगा एंड यहाँ पे कोई भी अलग से एक्सटर्नल ग्रैब हैंडल नहीं दिया, ये इन डिज़ाइन ही इसका ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है RS के पीछे की टेल लाइट जो फुल LED में है, एक पूरा एक ज्वेल टाइप का लगता है। काफ़ी लोगों के लिए फ्लिमजी लगता होगा दूर से, लेकिन आप जब इसको पकड़ के देखेंगे काफ़ी स्टर्डी बनाया है बजाज ने, तो ये अच्छी चीज़ है। टायर हगर आपको दोनों में ही मिल जाएगा। पीछे आपको डिस्प्ले का साइज़ 230 mm का मिलेगा। डुअल चैनल ABS आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाता है एंड चेन ड्रिवन है विथ चेन कवर दोनों ही बाइक्स। एंड इधर भी आपको टायर हगर मिलता है। पीछे का फेंडर आपको यहाँ पे फाइबर बेस दोनों में ही मिलेगा एंड ऊपर आपको इस पे स्टिकरिंग मिल जाएगी कार्बन फाइबर जैसी। पीछे की टेल देख लीजिए NS200 की, जैसे टिपिकल हमारे सारे NS के प्रोडक्ट आते हैं तो वैसे ही इसकी भी टेल रखी गई है। डिज़ाइन लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम रखा है पूरे NS सीरीज का। एंड यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर प्लेट है, लाइट है, पीछे इंडिकेटर्स है, साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। सीट हाइट की बात करूँ तो आपको RS में थोड़ी सी कम सीट हाइट मिलेगी एंड NS में आपको थोड़ी ज़्यादा सीट हाइट मिलेगी। तो अगर आप शॉर्ट राइडर हो और दोनों में से कंफ्यूज हो कुछ भी पिक करने के लिए, तो आप RS आग बंद करके उठा सकते हो। नहीं, अगर आपकी हाइट थोड़ी ठीक ठाक है, जैसे 5'10" हो, 5'11" हो, 5'9" हो, तो ईजिली आप इसके NS200 के प्रोडक्ट पे जा सकते हो। टैंक पैड आपको दोनों पे ही मिल जाता है। यहाँ शॉर्ट है, यहाँ देखिए कितना लॉन्ग टैंक पैड दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, यहाँ पे आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। पल्सर का स्टिकरिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, पल्सर यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। E20 कंप्लाइंट आपको दोनों ही गाड़ियाँ मिल जाएंगी। एंड क्लिप ऑन हैंडल्स जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये इसका पूरा फ्रंट लुक है। एंड यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फ्रंट लुक है। यहाँ फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है NS200 में। यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन दिया है, जो बहुत लोगों को ये पसंद आता है आज भी। इन कंपैरिजन टू दिस फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्यूल इंजेक्टर की यहाँ पे भी स्टिकरिंग है एंड यहाँ पे कहीं स्टिकरिंग नहीं है। यहाँ फ्रंट में ABS की स्टिकरिंग है एंड ABS की स्टिकरिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो RS में थोड़ा आपको कम मिलता है इन कंपेरिजन टू NS। एंड वेट की भी बात करूँ तो वेट RS का थोड़ा सा ज़्यादा है, 166 kg का है एंड NS का आपको 158 kg का पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। आई थिंक 154 के आसपास का, 154 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है RS का एंड इसमें आपको 165 के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस NS में मिल जाता है। एंड दोनों में आपको इसमें सॉरी NS में आपको साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिलेगा एंड RS में सिर्फ आपको साइड स्टैंड मिलेगा, कोई भी किक स्टार्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। इंजन किल स्विच है, यहाँ पे लो बीम हाई बीम इंडिकेटर हॉर्न एंड फ्रंट में पास मिल जाता है। एंड ये यहाँ पे ये एल्यूमिनेटेड है, ये रात में एल्यूमिनेट करता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये बजाज के आपको हर प्रोडक्ट में मिल जाता है। यहाँ पे भी सेम स्विचेस की क्वालिटी रखी गई है। यहाँ पे आपको DRLs और हेडलाइट को ऑन करने का बटन अलग से दिया हुआ है, जो हमें RS में प्रोवाइड नहीं होता। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, इंजन किल स्विच है एंड यहाँ से आप ब्लूटूथ का सारा फंक्शनैलिटी देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर्स हैं, हॉर्न है एंड फ्रंट में आपको लो बीम हाई बीम और पास का बटन एक साथ दिया हुआ है। तो अब जितनी भी नई पल्सर्स आ रही हैं तो ये जो स्विच है ये अब कॉमन होता जा रहा है, ये जो डिजिटल मीटर है ये कॉमन होता जा रहा है एंड इंडिकेटर्स कॉमन होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं। जितनी भी अपडेटेड या अपग्रेडेड पल्सर्स अब आप मार्केट में देखोगे, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन आपको दोनों में ही मिल जाता है एंड ये एडजस्टेबल है प्री लोड के लिए। एंड इसका आर्म भी देख लीजिए एग्जैक्टली सेम है, चाहे आप NS में देख लो एंड चाहे आप RS में देख लो, एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई देगा। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस कंपनी ने नहीं किए हैं। एंड जो ग्रिपिंग है वो आपको RS की भी पसंद आएगी एंड NS की भी पसंद आएगी। पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क है RS और NS की ग्रिपिंग में। तो चलिए सबसे पहले हम अब NS को स्टार्ट करके देखते हैं एंड आवाज़ सुनते हैं इस गाड़ी की कैसी है। तो चलिए सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, 6 गियर शिफ्ट है, ऊपर RPM मीटर है, यहाँ स्पीडोमीटर आ जाएगा, यहाँ पे फ्यूल गेज आ जाता है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फंक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप इस पर्टिकुलर बटन से आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। आइडल में आवाज़ सुनिए, थोड़ी सी रॉ मिलेगी है ना,
थोड़ा रेप करते हैं इसको NS 200 में। अच्छी थोड़ी बेसी एंड रॉ आवाज़ आपको चाहिए तो NS 200 एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। एंड अब हम देख लेते हैं RS का कंसोल, जो बहुत लोगों को अच्छा लगता है। एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन, एंड ज़्यादा कुछ नहीं है, यहीं पर बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको RPM मीटर दिया हुआ है, स्पीडोमीटर यहाँ मिल जाता है, टाइम है, गियर शिफ्ट है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, बाकी सारी वार्निंग्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार कोशिश करते हैं, आइडल में आवाज़ सुन लीजिए। एग्जॉस्ट अच्छा दिया है, छोटा सा साइड में एक अलग सेपरेट एग्जॉस्ट दिया है, अंडर बेली नहीं है NS 200 की तरह। आइडल में अच्छी आवाज़ है, थोड़ा रेप करते हैं इसको। आपको पसंद आएगी। एंड फ्रंट में इसकी लाइट्स एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं हाई बीम पे है इस समय, साइड में TRLs हैं। एंड इंडिकेटर्स भी ऑन कर देते हैं इसके, LED इंडिकेटर्स हैं। पीछे से एक बार इसकी लाइट आपको दिखा दूं, ये आपको अच्छी लग रही है, लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसका। एंड एक बार इसकी भी लाइट आपको चेक करा देता हूँ। बैक लाइट आप देख लो, आपको अच्छी लग रही है। एंड इंडिकेटर एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। फ्रंट में लाइट्स इसकी ये आप देख रहे हो, बाई फंक्शनल यहाँ पे बटन दिया हुआ है, जैसे ही उसको लाइट्स को स्विच करोगे तो ये डिम हो जाएंगी LED TRLs एंड लाइट्स आपकी ऑन हो जाएंगी। एंड लो बीम हाई बीम दोनों का आपका काम करेगी, काफ़ी अच्छा एग्रेसिव लुक है। एंड सेम लुक पे ही ऑलमोस्ट हमें एक बड़े TRLs के साथ NS 400 भी आपको मिले, जब बिगेस्ट पल्सर से बजाज कह रही है वो भी हमें मिलने वाली है। तो जैसे ही वो आएगी तो डेफिनेटली उसे भी हम कवर करेंगे। एंड गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको 1,92,000 रुपये का आपको NS का पड़ेगा लखनऊ में, एंड ऑलमोस्ट 1.60 1,60,800 रुपये की ये पड़ती है एक शोरूम प्राइस। एंड इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ता है ऑलमोस्ट 1,74 एक शोरूम प्राइस जो मैं बता रहा हूँ RS का लखनऊ में। एंड ऑन रोड प्राइस 2,06,000 2,07,000 रुपये के आसपास की इसकी लैंडिंग कॉस्ट आएगी लखनऊ में। हो सकता है आपके सिटी में अलग कॉस्टिंग हो, तो डेफिनेटली अपने नियरेस्ट बजाज के शोरूम पे जाइए एंड उनसे आप इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हो। और लखनऊ या लखनऊ के आसपास आप रहते हो तो डेफिनेटली JPS बजाज को आइए, कॉन्टैक्ट करिए, उनसे पूछिए, इन दोनों बाइक्स के बारे में क्वेरी करिए, आके गाड़ी चलाइए, अपने हाइट के अकॉर्डिंग देखिए, अपने आपको क्या क्या फीचर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखिए। कभी भी कोई भी व्हीकल इसलिए मत सेलेक्ट करिए कि मैंने खरीद लिया कि हमारे किसी जान पहचान वाले ने खरीद लिया इसलिए हम भी खरीद लेते हैं। आप अपना रिक्वायरमेंट देखिए, आपके हिसाब से आप अपना वेरिएंट देखिए कि क्या आपको चाहिए। अगर उसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन होता है, आप नहीं डिसाइड कर पाते हो, तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप डेफिनेटली अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हो रिगार्डिंग एनी टू व्हीलर फोर व्हीलर या पर्टिकुलर आज के वीडियो के बारे में भी। एंड दोनों ही बाइक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, 200cc में इनको करिश्मा कम्पीट करती है, प्राइस के हिसाब से R15 कम्पीट करती है। एंड बाकी तो मुझे आसपास ऐसा कोई भी 200cc का कोई भी बाइक ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो इनको डायरेक्टली कम्पीट करता हो। हीरो के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 200 कैटेगरी के हैं, लेकिन पावर वाइज इनके आसपास कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता। अगर आपको पावर चाहिए तो डेफिनेटली आपको बजाज के ब्रांड में ही आना पड़ेगा, ना ही आपके पास TVS का ऑप्शन है, ना ही आपके पास हीरो का ऑप्शन है, जबकि उनके पास भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। 200cc में TVS अपाचे RTR भी है, हीरो करिश्मा भी है, हीरो को S मॉडल भी है जो हाफ फेयरिंग के साथ आता है, लेकिन पावर वाइज के हिसाब से ये दोनों बाइक्स 200 कैटेगरी में काफ़ी अच्छा एक पावर फिगर आपको लाके देती है। तो एक पेपी इंजन चाहिए तो डेफिनेटली बजाज पे ही आपको आना पड़ेगा। एंड बाकी आप बताओ इन दोनों गाड़ियों में आपको कौन सी फेवरेट लग रही है, आपको ये प्राइस डिफरेंस जो 15,000 रुपये का है, क्या आप RS पे एक्स्ट्रा लगाना चाहोगे या बचा के NS पे ही रुकना चाहोगे, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, एंड न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट। एंड जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसको तो डेफिनेटली आप फॉरवर्ड करो, ताकि उसका भी थोड़ा भला हो और आपके भाई का भी थोड़ा भला हो।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनना, एंड फोर व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।